दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो खुद को महिंद्रा XUV700 से कैसे अलग करेगी। आने वाली नई महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने नए लॉन्च किए गए भाई महिंद्रा XUV700 से खुद को अलग करेगी। SUV में आपस में कई अंतर होंगे, लेकिन हम यहां सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट की डिफरेंसेस को ही एक्सप्लेन करेंगे, जिससे वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आप लोगों को भी एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा हो जाएगी भाई कौन सी गाड़ी बेस्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों महिंद्रा XUV700 इंडियन मार्केट में स्वदेशी कार निर्माता का सबसे नया लॉन्च है। घरेलू ब्रांड को XUV700 के लिए पहले ही 60-70 हज़ार ऑर्डर मिल चुके हैं और कंपनी अब नई पीढ़ी की स्कॉर्पियो तैयार कर रही है। न्यू जनरेशन वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो को प्रोडक्शन के लिए रेडी अवतार को पहले ही टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। SUV के टेस्ट म्यूल की अंदर और बाहर से जासूसी की जा चुकी है, जिसे कई सारी इंपोर्टेंट डिटेल सामने आई है और जिससे हम यह भी पुष्टि कर सकते हैं कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो XUV700 से काफ़ी अलग प्रोडक्ट होगा। तो कैसे, चलो अब उसी की चर्चा करते हैं। डिफरेंट चेसिस। दोस्तों नई महिंद्रा स्कॉर्पियो लैडर फ्रेम आर्किटेक्चर का उपयोग करेगी, जो XUV700 पर देखे गए कॉन्टेम्प्रेरी मोनोको कंस्ट्रक्शन के विपरीत है। यहां तक कि आउटगोइंग मॉडल भी बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन का यूज करता है, जो कि इन दिनों केवल अधिक हार्डकोर ऑफ रोडिंग फ्रेंडली SUVs पर देखा जाता है। हालांकि मोनोकोक फ्रेम का उपयोग क्रॉसओवर पर किया जाता है, जो कि अधिक चुस्त और पोस होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ड्राइव लेआउट्स। दोस्तों स्कॉर्पियो की एज ए स्टैंडर्ड रियर व्हील ड्राइव लेआउट के साथ आने की सूचना है। इसके विपरीत महिंद्रा XUV700 फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट का उपयोग करती है। XUV700 के हाई एंड ट्रिम को ऑल व्हील ड्राइव मैकेनिज्म के साथ दोनों सिरों पर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ लगाया जा सकता है। वहीं नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में एक हार्डकोर फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट होगा, जिसमें पीछे की तरफ एक कठोर एक्सल और आगे के लिए IFS होगा। इसके विपरीत रियर एक्सल में बेहतर ऑफ रोड प्रदर्शन के लिए MLD की सुविधा हो सकती है और एक लो रेंज गियरबॉक्स भी पैकेज का हिस्सा हो सकता है। पोलराइज्ड डिजाइन। दोस्तों नई महिंद्रा स्कॉर्पियो और XUV700 के बीच एक और बड़ा अंतर डिजाइन का होगा। जहां XUV700 में सभी मॉडर्न स्टाइलिंग संकेत दिए गए हैं, वहीं स्कॉर्पियो एक बॉक्सी और ईमानदार पोशाक पहनेगी। XUV700 की रूफ लाइन टेलगेट की ओर नीचे की ओर झुकी हुई है, जबकि नेक्स्ट जनरेशन के टेस्ट म्यूल पर इसे थर्ड रो में रहने वालों के लिए बेहतर हेडरूम के लिए विपरीत दिशा में ले जाते हुए देखा जा सकता है। रिवर्क्ड फीचर लिस्ट। दोस्तों स्पाई इमेज से यह भी पता चलता है कि स्कॉर्पियो के आने वाले न्यू जनरेशन अवतार में XUV700 पर पेश किए जाने वाले कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स नहीं होंगे। सूची में पॉप आउट डोर हैंडल, स्काई रूफ, इंटीग्रेटेड ड्यूल HD सुपर स्क्रीन फॉर द इंफोटेनमेंट यूनिट एंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल है। हालांकि महिंद्रा स्कॉर्पियो में पोर्ट्रेट तरीके से तय की गई बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलेगी। साथ ही SUV में LED DRL के साथ ट्विन बैरल प्रोजेक्टर हेडलैम्प की सुविधा भी होगी। सेपरेट टारगेट ग्रुप्स। दोस्तों महिंद्रा XUV700 उन शहरी खरीदारों पर लक्षित है, जो रिलेटिवली बेटर राइड क्वालिटी और बॉडी कंट्रोल वाली SUV की तलाश में है। हालांकि वे कम ऑफरोड अक्षमताओं के रूप में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर नई स्कॉर्पियो न केवल शहरी एनवायरमेंट्स बल्कि छोटे शहरों, कस्बों, गाँवों, Tier 1 और Tier 2 मार्केट सभी जगह रहने वाले खरीदारों को आकर्षित करेगी। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज और लैडर फ्रेम चेसिस की मजबूती बॉडी रोल की कीमत पर आती है और इस तरह महिंद्रा स्कॉर्पियो की टारगेट ऑडियंस XUV700 से अलग होगी। आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। मुझे तो स्कॉर्पियो ही बेस्ट लगी। वैसे तो कमी तो कोई XUV700 में भी नहीं है, सिवाय इसके 1.5 साल के वेटिंग पीरियड के। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ एक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।